हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए, एसएससी सीपीओ 2020 के फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले एसएससी ने टेंटेटिव शेड्यूल दिया था कि एग्ज़ाम्स कब कब होंगे, तो वहाँ पे एसएससी सीपीओ 2020 टीयर 1 की डेट दे रखी थी। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि 2019 टीयर 2 की डेट तो नहीं है, तो मैंने तब भी आपको क्लियर कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आने वाले 10 दिन के अंदर लगभग आपको इसके फॉर्म भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपके फॉर्म जल्द ही निकाले जाएंगे इसके। तो एक्चुअली मैं जैसा कहा था वैसे ही हुआ है, एग्जाम डेट्स भी आ गई हैं, आपके फॉर्म भी निकल चुके हैं। आप देखोगे आज है 17 तारीख, अगले महीने की 16 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चीज़ें जो भी हैं फॉर्म से रिलेटेड वो मैं सारी आपको बताता रहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके एग्ज़ाम की डेट्स हैं, जो पहले ही पता चल गई थी, वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेंगी। और साथ ही साथ जो आपकी टीयर 2 की डेट है एसएससी सीपीओ 2020 की, वो भी दे रखी है यहाँ पे 1/3/2021, मतलब 1 मार्च को आपका टीयर 2 कंडक्ट कराया जाएगा। जबकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 2 कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। देखो अगर वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज टोटल हैं 91, और अगर हम सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करेंगे, ऊपर वाली मेल्स की हैं, फीमेल्स की 78 वैकेंसीज हैं। बाकी और जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी वैकेंसीज कुछ यहाँ पे इस तरीके से दे रखी हैं, तो 1395 बाकी मेल और फीमेल की मिला के वैकेंसीज हैं सभी फोर्सेज में, और एक्स सर्विसमैन की 139 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है इस बार, और कट ऑफ पे भी उसका फ़र्क देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, सभी लोग एक चीज़ की चिंता कर रहे थे कि एज लिमिट क्या होगी, तो मैक्सिमम जो एज होती है वो आपकी 25 साल होती है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, एस सी एस टी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपकी डेट देखी जाएगी एज ऑफ रैकनिंग है, वो है 1 जनवरी 2021। जैसे कि पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था, पिछले साल जो 2019 का फॉर्म निकला था उसमें 1 जनवरी 2020 थी, और इस बार 1 जनवरी 2021 है एज ऑफ रैकनिंग। और इसके बीच में अगर आप 20 से 25 साल के हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। आपको क्या करना होगा, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने अपनी आईडी बनाई रखी है तो डायरेक्टली वहाँ पर जाके आप फॉर्म में फिल कर सकते हो एसएससी सीपीओ का फॉर्म। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा डिले मत करना, अभी 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म को फिल कर देना। अभी 2-3 दिन रुक जाओ, ठीक है, मतलब 3-4 दिन रुक जाओ अभी, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कर देना, और तब सर्वर का कोई इशू नहीं रहेगा। तो आप एक बार की में फिल कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना पेमेंट में इशू कई बार आ जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी, और आपको इसकी, अगर आप एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस में आपको एक ही प्लान के अंदर सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। RB10 कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम्स के बारे में फाइनली चीज़ें धीरे धीरे खुल ही रही हैं, सारे एग्ज़ाम धीरे धीरे हो रहे हैं, और TCS ने अभी रिसेंटली एक और एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, वो बेसिकली एम्स के लिए था, तो लगभग 33,000 लोग अपीयर हुए थे उसमें, और वो स्मूथली कंडक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि बाकी एग्जाम्स भी स्मूथली कंडक्ट कराए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब चीज़ ध्यान रखी गई थी, वहाँ पे थर्मल स्कैनर्स थे। तो बस अब आप अपनी तैयारी करते रहो, अब रुको मत, क्योंकि एग्ज़ाम पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, CHSL का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करो। इस वीडियो में मैं आपसे यही विदा लेना चाहूँगा, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।